जबरदस्ती लेके मारी पुलिस वाले मारी पहले बात करने की ना रे मैं एसडीएम बोल रहा हूं। जबरदस्ती लेके फेंक दिया भाई। सीएससी पे है भाई, सीएससी पे। इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में एक कांवड़िया की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए कांवड़िए ने मार्ग जाम कर दिया और हंगामा कर रहे हैं। मौके पर एसपी खीरी सहित तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं और कांवड़ियों से बात कर उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो कांवड़िया है ये सीतापुर जिले का रहने वाला था। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि ये जो कांवड़िए थे ये कांवड़िया कहाँ से कहाँ को लेकर जा रहे थे, कैसे कांवड़िए की मौत हो गई और जो साथी कांवड़िए हैं वो क्यों गुस्सा गए, हंगामा क्यों कर रहे हैं और मौके पर कौन पुलिस का अधिकारी इस वक्त मौजूद है? देखिए प्रियांशु जी, ये सुबह की घटना है मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र की। ये गांव पड़ता है भीखमपुर अमीर नगर चौकी के अंतर्गत। ये इधर से कांवड़िए सब जा रहे थे सीतापुर मोहली के, ये लोग बताए जा रहे हैं। और सभी लोग इस रूट से जाके गोला, क्योंकि सोमवार को वहाँ पर जलाभिषेक करने का इनकी योजना थी, उसी वक्त दो ट्रालियाँ थी, उस ट्राली से एक कांवड़िया गिरा और उसकी सड़क पर मौत हो गई। मौत के बाद इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा सिर्फ इस बात का हो रहा था कि वहाँ पे रास्ता जाम था, रास्ता जाम करने के कारण ये लोग वहाँ पे शव जो था कांवड़िया का उसको नहीं हटा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बहुत जल्दी कार्रवाई की और उस शव को हटा दिया उस रोड से। और इसके बाद ही हंगामा इन्होंने शुरू किया क्योंकि रोड खोलनी थी और उसमें इन्होंने काफ़ी हंगामा किया। इनका कहना था कि कांवड़ियों का जो साथ में कांवड़िए थे उनका कहना था कि जहां से शव था वहीं रखिए, जब तक परिजन नहीं आ जाते हैं तब तक शव को वहां से पुलिस ने क्यों हटाया। इस चीज को लेकर काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी हंगामा हो रहा था, पुलिस ने हल्का प्रयोग किया, हल्की सी लाठी वाठी चलाई, धक्का मुक्की हुई। इसको लेके भी कांवड़िया काफी आक्रोशित हो गए और उनका कहना था कि इनको हटाया जाए, पुलिस वालों को इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस चीज को लेके वहां पे एडिशनल एसपी नेपाल भी पहुंचे, भारी पुलिस फोर्स वहां पे पहुंची और खुद पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब भी लगभग 10:15 बजे घटनास्थल पहुंच गए थे। और उसके बाद प्रशासनिक अमला इन सबको समझाने बुझाने में लग गया, लेकिन काफी देर तक हंगामा ये होता रहा। और ये जो कांवड़िया था इसकी उम्र 19 साल थी, आकाश नाम इसका था, सीतापुर के मोहली का ये रहने वाला था। फिलहाल अभी कुछ देर पहले तक जो समाचार इंडिया के पास है ये लोग हंगामा कर रहे थे और इनका यही मेन था कि परिजन आ जाए और जहां से शव पुलिस ने हटाया है उस शव को वहीं पे रखा जाए। लेकिन जो पुलिसकर्मी और इनका सबका कहना था आला अधिकारियों का कि देखिए जो चीज हुई, दुर्घटना हुई थी और कहना था कि उसके आगे पिकअप गाड़ी आ गई थी जो इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही थी, जिससे एकदम से ब्रेक लगा और ब्रेक के बाद ये गिरा उछल के गाड़ी के ऊपर से और ये सर फटा और जिससे ये कांवड़ की मौत हो गई है। पुलिस का ये भी कहना है कि जो व्यक्ति जो गाड़ी आगे चला रहा था, पिकअप वैन गाड़ी जो थी आगे दूसरी गाड़ी थी, ब्रेक लगा ये घटना घटी, उसके ड्राइवर को और गाड़ी को भी सीज कर लिया, पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस कह रही है कि शव को पोस्टमार्टम में भेजना है
आपकी और जो भी जायज मांगे हैं उसको प्रशासन शासन मानेगा, लेकिन चूंकि रास्ता है तो उस रास्ते को आवागमन के लिए अवरुद्ध ना कर उसको खोल दिया जाए। इन सब चीजों को लेकर काफी हंगामा हो रहा था। अब जो मांग चल रही है प्रियांशु जी, वो मेन मांग है कि जिन पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की, कांवरियों के ऊपर लाठी चलाई, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको हटाया जाए वहां से। फिलहाल पूरा मामला अमीन नगर का ये है और भीखमपुर गांव के पास का ये सड़क दुर्घटना का मामला बताया जा रहा है कि दो गाड़ियां थी, ट्राली पे ये लोग थे और गाड़ी के ब्रेक लगने के कारण उनका कहना कि ये दुर्घटना हुई। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि किस तरीके से कांवरी की मौत हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी जो गाड़ी आगे थी उसको भी पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उसको अपने कब्जे में ले लिया, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। और इन सब चीजों को लेकर हंगामा अभी कुछ देर पहले जैसा सूचना मिल रही शांत हो गया है और पुलिस कहीं ना कहीं इन कांवरियों के जत्थे को समझाने में कामयाब हुई है। यहीं पर अभी कुछ दिन पहले प्रियांशु जी अमीनगर में ही वो ताजिया का मैटर हुआ था और साथ ही एक और घटना लखीमपुर में हुई है केवलपुरवा गांव के पास, जहां दो ट्रैक्टर ट्राली आपस में थी, उसमें भी एक कांवरिया जो डबल ट्राली था गिर के उसकी भी मौत हुई है। कहने का तात्पर्य प्रियांशु जी यह है कि डबल ट्राली के ऊपर रोक लगाई गई है, कहा जा रहा है कि डबल ट्राली पर कांवरिया ना चलने के, फिर भी चूंकि ये गांव से निकल रहे हैं, गांव से चलते हैं तो इसमें थोड़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ेगी, चूंकि हजूम होता है तो ये लोग उसको मना नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और इसको पुलिस को करना पड़ेगा जागरूक कि अभी जो खमरिया पे हुआ था ट्रैक्टर ट्राली कांवरी की मौत हुई थी, जिसमें एक कांवरिया खत्म हुआ था, एक अभी भी घायल है, उसमें भी दो ट्राली का मैटर था। और बहराइच पुलिस अधीक्षक से लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने कहा था कि दो ट्रालियों को किसी तरीके से ना भेजा जाए सीमा पार। और ये सब बातें चल रही थी, अभी कहीं ना कहीं दो ट्रालियां रुक नहीं पा रही हैं और रोकने की शायद अभी मना स्थित भी नहीं हो पा रही है पुलिस की, या इच्छा शक्ति या इतनी ताकत नहीं कि इतनी भीड़ में ट्रालियों को मना करें कांवरियों से। लेकिन कहीं ना कहीं ये जागरूकता करने से ही इस चीज को रोका जाएगा। और आज की जो घटनाएं हैं लखीमपुर जनपद में, दो कांवरियों की मौत है अलग अलग दुर्घटनाओं में, और फिलहाल अभी पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को समझाने बुझाने में कामयाब हुई है। जी प्रियांशु जी, सर एक जानकारी चाहेंगे, ये जो कांवड़िए कांवड़ लेकर जा रहे थे, ये जो आपने बताया कि डबल ट्रालियों में सवार थे, कितने करीब कांवड़िए होंगे, और जब ब्रेक मारा तो ब्रेक मार के जो कांवड़िया है वो क्या दूसरी गाड़ी के नीचे आ गया था? देखिए प्रियांशु जी, ऐसा है, ये काफी कांवड़ियों की संख्या जो चलती है लगभग 500 से कम एक जुलूस में नहीं होते हैं, और ये ट्रैक्टर ट्राली में डीजे और नाच गाना भजन कीर्तन जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह लगभग 9 से 9:30 के बीच की ये घटना है, और ये जब चल रहे थे तो मेन आगे जो गाड़ी थी उस गाड़ी ने ब्रेक मारा, कहीं से बीच में गाड़ी एक आ गई और उसी लापरवाही में ये जो पीछे ट्राली पे था कमरी, ये उछल के नीचे गिर गया, जिससे इसका सर फटा और उससे इसकी दुर्घटना हो गई और इसकी मृत्यु हुई है। मेन मामला हुआ कि पुलिस ने इस चीज को संज्ञान में लिया और बहुत ही जल्दी जो सड़क के ऊपर का शव था उसको हटा के किनारे कर दिया। उसी चीज को हंगामे को लेके ये सब लोग हंगामा कर रहे थे कि शव को जहां था घटना स्थल पर वहीं पे रखा जाए, और जब तक परिजन नहीं आते तब तक इसको हटाया क्यों गया, कहीं तमाम चीजें थी। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में पुलिस ने इन चीजों को, जो हंगामा रोड जाम का हो रहा था उसको लेके रोका। लेकिन ये जरूर है कि जो गाड़ी थी इसमें आपसी टक्कर नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर था कि अचानक ब्रेक मारने से जो आगे गाड़ी थी और वो कांवरियों की नहीं थी, दूसरी गाड़ी थी, इस कारण से ये घटना घट गई और इसी के लिए हंगामा हुआ। लेकिन पुलिस ने तत्काल उसको भी गाड़ी को गिरफ्त में अपनी ले लिया था, और उसके ड्राइवर और जो दोषी थे, पुलिस का कहना है कि उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। और मेन कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, जो भी चीजें हैं उन चीजों को जांच के उपरांत पूरी मदद की जाएगी कांवरियों की, और उस पर पूरा जांच होगी और जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल जागरूकता की बहुत कमी है प्रियांशु जी, इसको करना पड़ेगा। ये डबल ट्राली का जो मामला चल रहा है इससे बहुत दुर्घटनाएं होने की संभावना है, और जो दूसरी घटना केवलपुरवा लखीमपुर में हुई है उसमें डबल ट्राली उसमें भी थी और उससे कांवरिया नीचे गिरा और गिरकर उसकी मौत हुई है, वो भी एक कांवरी, इसलिए दो कांवरिया पूरे जनपद में उनकी मौत हुई है, और पुलिस इस चीज को निपटाने में कहीं ना कहीं मशक्कत करती नजर आ रही है। जी प्रियांशु जी, सर ये जो लाठी चार्ज वाली बात सामने आई है, क्या सत्यता है इसकी? क्या पुलिस ने जो हंगामा रोकने के लिए लाठी चार्ज बल का प्रयोग किया था सर? देखिए ये बात प्रियांशु जी बिल्कुल सही है, बल प्रयोग किया, लेकिन वो पुलिस की मजबूरी भी थी,
क्योंकि आप जो आइडिया अभी दर्शकों को वीडियो दिखा रहा उसमें कांवरिए कहते हुए आ रहे हैं पुलिस ने बल प्रयोग किया है, मारा है, ये किया है, लेकिन उसका कारण में नहीं था कि चूंकि बिल्कुल रोड के ऊपर चौथा और काफी चलती फिरती रोड ही आवागमन को देखते हुए जब काफी हंगामा होने लगा तो पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे और बहुत कम संख्या में फोर्स थी, क्योंकि तुरंत की घटना थी तो 10:30 थी, तो पुलिस ने हल्का सा बल प्रयोग किया और उस बल प्रयोग के बाद इनको वहां से खदेड़ा, उनको हटाया वहां से, शव को हटाया वहां से जो ये लोग ले जाने नहीं दे रहे थे कांवड़िए। इसमें थोड़ा बल प्रयोग हुआ और थोड़ा धक्का मुक्की हुई और थोड़ा बल प्रयोग तो हुआ है, लेकिन वो पुलिस की कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और आवागमन को अवरुद्ध ना हो इसके लिए उनको करना पड़ा था। और आप देखेंगे कि जो विजुअल आइडिया चला रहा है इनमें मेन कहते हुए कांवरिया ये आ रहे हैं और पुलिस भी ये कह रही है कि इसको शव को रोड जाम हो रही है, इसको आप किनारे करिए जो भी शव है, जबकि थोड़ा किनारे था लेकिन उसके बाद भी पुलिस की प्राथमिकता थी शव को किनारे किया जाए। इसी चीज को लेकर थोड़ा बल प्रयोग हुआ है और उस धक्का मुक्की में हो सकता कांवरियों को चोटें आई हों, जैसा कि कांवरियों का कहना वर्जन है, आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, मारा और ये हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बिना बल प्रयोग के इतनी बड़ी संख्या को कंट्रोल में करना नामुमकिन लग रहा था कि पुलिस की संख्या उस वक्त बहुत कम थी, बहुत कम पुलिस वाले थे। बाद में फोर्स पहुंची है, आला अधिकारी पहुंचे हैं आधे घंटे में, तब पुलिस फोर्स भारी मात्रा में पहुंच गई थी। जी बिल्कुल। तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के, आपको बता दें कि मोहम्मदी कोतवाली इलाके के भीखमपुर गांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीतापुर से जो कांवड़िया है वो इसी मार्ग से होकर गोला गोकर्णनाथ के लिए जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं और जलाभिषेक के लिए कांवड़िए ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे, उसमें डीजे वगैरह भी बंधा था कि अचानक से जब ब्रेक मारा ट्रैक्टर ट्राली ने, तो वो जो उसमें कांवड़िया ट्रैक्टर ट्राली पर सवार था वो नीचे जा गिरा और एक आगे गाड़ी चल रही थी उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार ये जो कांवड़िया था ये 19 साल का था, जिसका नाम आकाश था और ये सीतापुर के मोहली थान कोतवाली इलाके का रहने वाला था, और वहीं पर जब ये तत्काल मौत हो गई इसकी मौके पर हुई, इसके बाद परिजनों ने वहां पे जो कांवड़िए थे उन्होंने वहां पे शव रख दिया, मार्ग जाम हो गया जिस कारण से, और मौके पर जब पुलिस पहुंची तो शव को वो जब हटा रहे थे वहां से, तो कांवड़ियों का ये कहना था कि शव को यहां से ना हटाइए जब तक इनके परिजन ना आए। इस दौरान पुलिस से काफी धक्का मुक्की भी हुई, कहा सुनी भी हुई कांवड़ियों की, और पुलिस ने और कांवड़ियों ने आरोप भी लगाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज का भी प्रयोग किया है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए एसपी खीरी गणेश प्रसाद साहा, एडिशनल एसपी नेपाल सिंह, क्षेत्रीय एसडीएम सहित तमाम पुलिस बल वहां पे पहुंचा और जैसे तैसे कांवड़ियों को शांत कराया और शव को वहां से हटाकर अब वहां पर शांति व्यवस्था कायम की गई है। फिलहाल कांवड़ियों का ये कहना था कि यहां से शव ना हटाएं, पुलिस द्वारा शव हटाए जाने से कांवड़िया नाराज थे, साथ ही जिस गाड़ी से ये हादसा हुआ है उस गाड़ी के चालक और गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और इस जो ये जो हादसा है इसकी जांच भी की जा रही है। फिलहाल सीतापुर के कांवड़िए की लखीमपुर में सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है और आगे इसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।